हेलो दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हो आप सब? आपको भाई हाजिर है नई वैकेंसी के साथ। तो आज की जो वैकेंसी आ रखी है वो आ रखी है टाटा स्टील लिमिटेड की तरफ से। बहुत ही तगड़ी अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिलेगी, बल्क में हायरिंग आपको देखने को मिल जाएगा और सारी की सारी भर्ती यहाँ पे टेक्निकल भर्ती देखने को मिलने वाली है। तो यहाँ पे बात की जाए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी के बारे में, तो यहाँ पे 1000+ वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी, 1000+ वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। और ये सारी की सारी वैकेंसी फ्रेशर कैंडिडेट के लिए निकाली गई है, किसी भी टाइप का कोई भी एक्सपीरियंस यहां पे नहीं मांगा। अगर आप फ्रेशर है बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं, आईटी डिप्लोमा बीबीटेक की आप एलिजिबल रहेंगे, अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पे परमानेंट वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा, मतलब कि कंपनी के अंदर आपको अनरोल के बेसिस पे वैकेंसी देखने को मिलेगा, जिसके अंदर सैलरी आपका बहुत ही तगड़ा देखने को मिलेगा। इसको ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इंडिया में कहीं से भी बिलोंग करते हैं, किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, किसी भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, आप बिल्कुल एलिजिबल रहेंगे, अप्लाई कर पाएंगे। YouTube पे सबसे पहले अपडेट दे रहा हूँ मेरे भाई, इसी बात पे वीडियो को लाइक कर देना। टारगेट आपका रहेगा 700+ का, 700+ आपको लाइक करवा देना है, अपने दोस्तों के अंदर वीडियो को दबा के शेयर कर देना है बिना कंजूसी किए। और जब भी आप वीडियो को लाइक करते हो हमको मोटिवेशन मिलता है ऐसे बेहतरीन वीडियो बनाने का। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि कमेंट बॉक्स के अंदर आप अपनी ब्रांच को कमेंट करके बता देना कि आपने कौन सी ब्रांच में डिप्लोमा बीबीटेक किया है, आपने कौन से ट्रेड के अंदर आईटीआई किया है, ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो आपको उसी से रिलेवेंट देखने को मिले और इनडायरेक्टली वहां पे आपको फायदा होगा। अब डायरेक्टली बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, जो कि आपका जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे पोजीशन के बारे में बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे आपको टेक्नीशियन का पोजीशन देखने को मिल जाएगा, जिसके अंदर आईटीआई वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। आपको यहाँ पे जूनियर इंजीनियर का पोजीशन देखने को मिल जाएगा, जिसके अंदर अगर आपने यहाँ पे डिप्लोमा बीबीटेक किया है आप एलिजिबल रहेंगे। साथ ही साथ आपको यहाँ पे डीटी का पोजीशन देखने को मिल जाएगा, डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनी का, जिसके अंदर अगर आपने 3 साल का डिप्लोमा किया आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको यहाँ पे ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी का पोजीशन देखने को मिल जाएगा, जिसके अंदर अगर आपने 4 साल का बीबीटेक किया आप एलिजिबल रहेंगे। साथ ही साथ आपको यहां पे सुपरवाइजर ट्रेनिंग का पोजीशन देखने को मिल जाएगा, जिसके अंदर अगर आपने डिप्लोमा किया है, बीबीटेक किया है, आप एलिजिबल रहने वाले हैं। ये सारी वैकेंसी आपको परमानेंट वैकेंसी देखने को मिलेगी, ऑन रोल पे वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, जिसके अंदर सैलरी बहुत अच्छा खासा आपको देखने को मिल जाएगा। इसको ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, इंडिया में कहीं से भी बिलोंग करते हैं बिल्कुल आप एलिजिबल रहेंगे, अप्लाई कर पाएंगे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर आपने आईटीआई किया किसी भी ट्रेड के अंदर आप एलिजिबल रहेंगे, अगर आपने डिप्लोमा किया किसी भी ब्रांच में आप एलिजिबल रहेंगे, इवन अगर आपने बीबीटेक किया किसी भी ब्रांच में आप एलिजिबल रहेंगे, अप्लाई कर सकते हैं। इवन अगर आपने एमबीए कर रखा है या सीए कर रखा है तो भी आप एलिजिबल रहेंगे, अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पे बात की जाए कि आपकी सैलरी क्या देखने को मिलेगी, बहुत बच्चे उत्सुक रहते हैं कि सैलरी यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा। देखिए सैलरी आपका टोटल डिपेंड करता है आपका इंटरव्यू कैसा जाएगा उस पर डिपेंड करता है, और आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ पे जो आपको मिनिमम सैलरी देखने को मिलेगा वो आपको देखने को मिलेगा 35,000 पर मंथ के हिसाब से आपको यहाँ पे सैलरी देखने को मिल जाएगा। एप्लीकेशन फीस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको 1 रुपया पे नहीं करना, फ्री के फॉर्म आपको देखने को मिलेगा। तो हर कोई बच्चा इसको अप्लाई कर सकता है, बट आपको जो स्टेप्स मैं वीडियो के अंदर बताऊंगा उसको आपको फॉलो करना है और आप डायरेक्टली अप्लाई कर पाएंगे अपने मोबाइल के थ्रू। सारे लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिए, लाइक टेलीग्राम चैनल का, व्हाट्सएप ग्रुप का, लिंक्डइन का, इंस्टाग्राम का और फेसबुक ग्रुप का। जल्दी से जाके इन सारे प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर लेना, इन्हीं सारे प्लेटफॉर्म पे आपको उन जॉब्स का अपडेट भी देखने को मिल जाएगा, जो कि अक्सर मैं YouTube पे अपलोड नहीं कर पाता और YouTube पे सारी जॉब्स का अपडेट देना पॉसिबल नहीं है। तो आप डायरेक्टली इन प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सकते हैं और मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। आपका कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कुछ भी पूछना है तो आप डायरेक्टली मुझको मैसेज कर पाएंगे। तो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पे नहीं है चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पास में जो घंटी वाला आइकन है उसको दबा दे, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। और आपका भाई इस चैनल पे इंजीनियरिंग जॉब अपडेट लाता रहता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पे आपको अप्लाई कैसे करना, उस प्रोसेस के बारे में वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको अप्लाई करके दिखाया है ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। अप्लाई का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिया है, एज वेल एज मैंने टेलीग्राम चैनल पर भी अपलोड कर दिया है, तो आप वहाँ पर जाके चेकआउट कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में पिन कर रखा है, तो जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पे टाटा स्टील की
की वेबसाइट ओपन हो जाएगी, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। ऑफिशियल वेबसाइट को मैंने यहाँ पे डायरेक्टली ओपन कर लिया ताकि आप में से किसी का भी टाइम वेस्ट ना हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं कैरियर्स एट टाटा स्टील का यहाँ पे ऑप्शन आ चुका है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके सामने एक ऑप्शन दिखेगा सर्च बार का, आप यहाँ पे टाइप ऑफ जॉब को भी सर्च कर सकते हैं, आपका क्या रोल रहेगा उसको भी सर्च कर सकते हैं, साथ ही साथ आप अपनी स्किल को भी यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे सर्च का ऑप्शन दिख जाएगा, साइड के अंदर आपको एक ऑप्शन दिखेगा फिल्टर का, तो आप यहाँ पे लोकेशन वाइज जॉब को भी सर्च कर पाएंगे। डायरेक्टली यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे जो टोटल रिजल्ट आपको दिखेंगे 71 रिजल्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। अलग अलग डिपार्टमेंट में आपको यहाँ पे वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। इनिशियली जो वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, रिसर्च एसोसिएट का वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं 0 to 3 ईयर का एक्सपीरियंस है। ये वैकेंसी फ्रेशर कैंडिडेट के लिए निकाली गई है, बिल्कुल फ्रेशर है, आप अप्लाई कर सकते हैं। जमशेदपुर की लोकेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। जैसे जैसे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे आपको बहुत सारी वैकेंसी शो हो जाएगी। मैनेजर का वैकेंसी है, किसी टाइप का कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया, फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। कोलकाता की जॉब लोकेशन आपको देखने को मिलेंगी। जैसे जैसे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे व्यू मोर पे क्लिक करके आप यहाँ पे बहुत सारी जॉब्स को सर्च भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। यहाँ पे जो भी आपको डिपार्टमेंट अच्छा लगे उस डिपार्टमेंट में आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने आप लोगों के लिए पहले से न्यू टैब ओपन कर रखा है जिसमें मैंने आपको अलग अलग वैकेंसी बताई, और सारी वैकेंसी में फ्रेशर कैंडिडेट के लिए बारे में बात करूंगा जिसमें ओवरऑल फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस वाले अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे सर्च कर लीजिएगा। तो यहाँ पे जो आपको पहली वैकेंसी देखने को मिलेगा वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा रिसर्च एसोसिएट का वैकेंसी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इसके अंदर ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे वैकेंसी देखने को मिलेगा। इनिशियली जो आपका कॉन्ट्रैक्ट चलेगा वो आपका 3 ईयर कॉन्ट्रैक्ट चलेगा। फर्दर आपकी परफॉर्मेंस को चेक किया जाएगा कि आप वहाँ पे कैसा परफॉर्म करते हैं, उसके बाद ये वैकेंसी आपको परमानेंट देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे जो आपको जॉब लोकेशन देखने को मिलेगा जमशेदपुर का जॉब लोकेशन देखने को मिलेगा। किसी टाइप का कोई भी एक्सपीरियंस यहाँ पे नहीं मांगा, फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। जॉब टाइटल को आप अच्छे से देख लीजिएगा, जॉब डिस्क्रिप्शन यहाँ पे पूरा मेंशन किया गया है। की स्किल की बात करें यहाँ पे आपको एमएस ऑफिस आना चाहिए, और यहाँ पे टीम लीड का दिख रखा है, मतलब कि आप यहाँ पे टीम के अंदर पूरा वर्क करने के लिए यहाँ पे आप सफिशियंट रहे, आपको यहाँ पे परफॉर्मेंस बढ़िया रखनी है। यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो अगर आपने यहाँ पे ITI किया है आप बिल्कुल एलिजिबल रहेंगे, अप्लाई कर सकते हैं। इवन अगर आपने यहाँ पे डिप्लोमा किया है तो भी आप एलिजिबल रहेंगे, अप्लाई कर पाएंगे। ITI और डिप्लोमा वाले कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। किसी भी ब्रांच से किया है और किसी भी ट्रेड से किया है बिल्कुल आप एलिजिबल रहेंगे। अप्लाई कैसे करना है, ऊपर आपको यहाँ पे एक बटन दिख रहा होगा अप्लाई नाउ का, तो आपको डायरेक्टली इस पर कर देना है क्लिक। साइड में एक ऑप्शन दिख रहा है शेयर विद फ्रेंड्स, आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर कर पाएंगे। अब डायरेक्टली बात करते हैं नेक्स्ट वैकेंसी के बारे में। यहाँ पे जो आपको नेक्स्ट वैकेंसी देखने को मिलेगा वो आपको देखने को मिलेगा असिस्टेंट मैनेजर का वैकेंसी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जिसके अंदर आपको जॉब लोकेशन रहेगा गुड़गांव का जॉब लोकेशन आपको देखने को मिलेगा। किसी भी टाइप का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा, फ्रेशर कैंडिडेट एलिजिबल रहेंगे, अप्लाई कर सकते हैं। स्क्रॉल डाउन करेंगे स्किल्स को आप अच्छे से देख लीजिएगा यहाँ पे। अब बात की जाए यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, तो यहाँ पे क्या मेंशन किया गया है कि अगर आपने इंजीनियरिंग का डिग्री कर रखा है किसी भी ब्रांच में, सिविल हो, मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, CSO, IT हो, प्रोडक्शन हो, मेटलर्जी हो, कोई भी ब्रांच हो, अगर आपने BBTech कर रखा है 4 साल का आप एलिजिबल रहेंगे, या फिर अगर आपने यहाँ पे MBA कर रखा है या फिर तो भी आप एलिजिबल रहेंगे। मतलब कि अगर आपने BA के बाद MBA कर रखा है या फिर अगर आपने BBA के बाद MBA कर रखा है तो MBA वालों को भी यहाँ पे अपॉर्चुनिटी दी जाने वाली है। स्किल्स को आप अच्छे से देख लीजिएगा। जैसे आप यहाँ पे ऊपर आएंगे टॉप पे आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा अप्लाई नाउ का, तो आपको डायरेक्टली इस पर क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कर पाएंगे। नेक्स्ट वैकेंसी के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो आपको वैकेंसी देखने को मिलेगा वो आपको देखने को मिलेगा असिस्टेंट मैनेजर का वैकेंसी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। बेसिकली जो आपका डिपार्टमेंट रहेगा वो आपका डिपार्टमेंट रहेगा इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस का डिपार्टमेंट आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किसी टाइप का कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा, फ्रेशर कैंडिडेट एलिजिबल रहेंगे। लोकेशन आपको देखने को मिलेगी तारापुर की लोकेशन आपको देखने को मिल जाएगी। अप्लाई नाउ वाला बटन है, इस पर क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कर सकते हैं। रोल और डिस्क्रिप्शन को आप अच्छे से देख लीजिएगा। टेक्निकल स्किल के अंदर कुछ नहीं मांगा, नॉर्मल सा स्किल आपका यहाँ पे होना चाहिए। अब डायरेक्टली बात की जाए कि यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया। देखिए यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो अगर आपने यहाँ पे डिग्री किया है 4 साल का, BBTech किया है आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ पे डिप्लोमा किया इलेक्ट्रिकल के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, आप बिल्कुल एलिजिबल रहेंगे, अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पे अप्लाई कैसे करना है, ऊपर एक बटन दे रखा है अप्लाई नाउ का, इस पर आपको डायरेक्टली क्लिक करना और अप्लाई
कर देना है। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कुछ भी पूछना है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप मेरे को पर्सनली मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, लिंक्डइन पे, इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे। सारे लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिए। तो मेरे भाई आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा उन लोगों तक जिनको जॉब की नीड है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपकी ब्रांच कौन सी है, आपका ट्रेड कौन सा है, ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो आपको उसी से रिलेवेंट देखने को मिले। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद।